सिलेबस है, इसलिए उसमें किस निश्चित रूप से देखिए एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आप सभी लोग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड एसटीसी किए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अपने घरों में रह करके एक टाइम टेबल बना लें और उसके मुताबिक तैयारी करें, क्योंकि रीट की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होना आवश्यक है। सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता की एग्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं, उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे, वरना अभी तक जो निर्णय कर रखा है सरकार ने सितंबर के माह में रीट का और फर्स्ट ग्रेड का, उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैठ करके सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए करना चाहिए। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा, ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए रीट की तैयारी आपको मन लगा करके अभी से घर में बैठ करके मैं समझता हूं करनी चाहिए, यही आपके लिए फायदेगा, और इस समय का सदुपयोग आप लें। कुछ लोगों का ये भी है कि साहब हम कोचिंग करते थे, कोचिंग वालों को हमने फीस दे दी है, उसका क्या होगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने कोर्स कराने की फीस दी है, निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप के हमारे ये समाज का हिस्सा है, वो समझते हैं कि जब कठिन परिस्थितियों में बेरोजगार छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, उनकी गाड़ी कमाई में से फीस लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी जो सिलेबस की तैयारी है, जिसकी फीस उन्होंने ली है या लेंगे, तो वो उसकी तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ना करे अगर ये परिस्थितियां इस तरीके से हैं और आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, तो हम कोचिंग वालों से सरकार बात करेगी, ऑनलाइन आपकी पढ़ाने की व्यवस्था करेगी, और हमारी जो विद्यालय हैं, जो गांव में हैं, या राजीव गांधी भवन जो हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हैं, उनके ऊपर भी हम किस तरीके से ऑनलाइन आपकी तैयारी के लिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा की हो, चाहे वो किसी कंपिटेटिव एग्जाम की हो, उसके लिए भी हम लोग अंदर ही अंदर हमारे विभाग की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि काफी ऐसे प्रश्न हैं जो आज विस्तार से दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी मेन जो फोकस की बात है वो यही है कि स्कूलों शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, उनको ऑनलाइन जो भी हमारे पास सामग्री